पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में इसी साल एशिया कप खेला जाना है। इससे पहले दिग्गज खिलाड़ी और टीम के कप्तान ने ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि टूर्नामेंट इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसी साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। जिस दिग्गज का जिक्र हो रहा हुआ कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल है। तमीम ने बांग्लादेश में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोते रोते संन्यास का ऐलान किया है। 34 साल के तमीम ने अपने कैरियर में 241 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। उन्होंने इस दौरान 14 शतक और 56 अर्धशतक की मदद से 8,313 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 70 टेस्ट और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तमीम इकबाल ने वर्ल्ड कप शुरू होने से महज 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इससे उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का भी अचानक अंत हो गया है। पत्रकारों की भीड़ से घिरे तमीम बेहद ही भावुक नजर आए। वह आंसुओं में डूब गए जब उन्होंने गुरुवार को चटगांव में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने बांग्लादेश के 3 वनडे मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान से हारने के एक दिन बाद ये ऐलान किया। तमीम ने कहा, यह मेरे कैरियर का अंत है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मैं इस क्षण से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को मेरा आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था। ये अचानक लिया गया फैसला नहीं है। मैं अलग अलग कारणों के बारे में सोच रहा था। मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं करना चाहता। इस बारे में अपने परिवार के सदस्यों से मैंने बात की है। मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए।